हाँ बेटा खेला होगा। खेला होवे। कैसे होवे? चुनाव मोदी अच्छा की दीदी अच्छी? दीदी। दीदी काहे अच्छी? दीदी हम लोग के लिए बहुत कुछ की है और करेगी। क्या किए बेटा? अभी जो दीदी हम लोग का इंश्योरेंस बनाई है 5 लाख का। मोदी कुछ किया नहीं किया? मोदी आते ही संग गैस का दाम बढ़ा दिया और बहुत कुछ बढ़ा दिया। इनका तो सब जुमला है, किसान हुआ मर रहा है, उसके पास में एक बार भी नहीं जा रहे हैं और दूसरा किसान के यहाँ आके भात और दाल खा रहे हैं। राज्यपाल मल्लिक बोले, डॉगी के मरने पर शोक संदेश भेजते हैं और 250 किसानों की मौत पर चुप्पी। कौन सी जगह है ये? बाबू बाजार। बाबू बाजार। बाबू बाजार। वोटर आप यहाँ के हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? एमडी इमामुद्दीन। हाँ, एमडी इमामुद्दीन। इमामुद्दीन जी, क्या माहौल इधर का चुनाव का? हम लोग का चुनाव का तो ये दीदी का ही है सब। हम लोग का इलाका मुस्लिम वोट कहीं बिखरेगा नहीं? अब्बास सिद्दीकी में चाहे नहीं 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 बिखरेगा, नहीं एकदम नहीं। दीदी में ही जाएगा? दीदी में जाएगा। टीएमसी का है भैया? हम लोग के साथ में सही काम किए हैं, हम लोग का क्षेत्र को अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम किया। हम लोग ट्रांसपोर्ट लाइन का आदमी, हम लोग का भी सब काम अच्छा किया। बिजनेस धंधा पानी ठीक सब ठीक। मोदी जी कैसा काम करे? मोदी जी का अपना ट्रीट है, मोदी जी का तो आप सामने ही देख रहे हैं जी, देख रहे हैं कि सिलेंडर गैस वगैरह सभी गरीब, जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो लोग तकलीफ है। दूसरी बात में जो भी लोग हैं यहाँ के प्रशासन से पूछिए कि वो लोग किस ढंग से जी रहा है लोग, इस पर मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। झूठा वादा हर है बीजेपी का, सब वादा झूठा है उनका। कौन कौन वादा झूठा? सबको बोले थे 15 लाख रुपए देंगे, शायद आप लोग मीडिया वाले हैं जानते, वादा तो किए। एक प्रधानमंत्री वादा करे और नहीं निभाए तो दिक्कत है। एक प्रधानमंत्री हो के वादा करके अभी घर जाइए बोले जुमला है, तो इनका तो सब जुमला है। किसान हुआ मर रहा है, उसके पास में एक बार भी नहीं जा रहे हैं और दूसरा किसान के यहाँ आके भात और दाल खा रहे हैं। तो कैसा है कि ये देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश को चलाते आप हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। कहीं कहीं बच्चे का, स्टूडेंट लोग का जो नौकरी होने वाले, किसान वाला बोले हैं तो देखिए वो खबर है। राज्यपाल मल्लिक बोले, डॉगी के मरने पर शोक संदेश भेजते हैं और 250 किसानों की मौत पर चुप्पी। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, वही बोले हैं कि किसान आंदोलन पर जो प्रतिक्रिया दिए हैं कि राज्यपाल मलिक बोले डॉगी के मरने पर शोक संदेश भेजते हैं और 250 किसानों की मौत पर चुप्पी। ये पूरी खबर जानते हैं क्या है? 3 कृषि कानूनों के विरोध में 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेताओं के रवैये पर नाराज मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन जितना लंबा चलेगा देश का उतना ही नुकसान होगा। नेताओं को घेरते हुए राज्यपाल ने कहा कि यहाँ एक डॉगी मर जाता है तो नेताओं का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन आंदोलन करते करते हमारे 250 से ज़्यादा किसान मर गए लेकिन किसी के मुँह से एक शब्द नहीं फूटा। मलिक बुधवार को डीडवाना से नई दिल्ली जाते समय झुंझुनू में रुके थे। तो मलिक जी का जो कहना है कितना सहमत है राज्यपाल साहब? नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सहमत है, हम उनके साथ में हैं। इसलिए कि जो भी किसान तबके के लोग बैठे हैं, अन्नदाताओं जो हैं उनके पक्ष में वो बोले और वो सहयोग मतलब भी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि सत्यपाल मलिक राज्यपाल ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, एक तंज कस रहे हैं। हाँ, एक राज्यपाल ने इतना बड़ा कदम उठा के एक बात का अपना मरता है तो उनको खबर समझाते शोक संदेश देता है, लेकिन इतना किसान जो मर रहे हैं उसका कोई मर्तबा नहीं है। तो इसलिए सर उनके साथ हम हैं और हमारे अपन दाता को देखिए रहे हैं, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, उनसे बात नहीं बैठ के किया जा रहा है। ऊपर से 26 जनवरी को जो काम हुआ आप लोग तो सामने देखा, किसान को किस तरीके से बलगला के उनको बदनाम किया गया। एक अगर कोई दूसरा अगर झंडा पर अपना झंडा फहराता है तो हमारा देश का जो नौजवान है सो गोली मार देता है, लेकिन ये खुद करवा के उनको पुलिस को ऊपर में डंडा चलवाया, तलवार चलवाया। बंगाल में वो चल रहा खेला हो, खेला हो, खेला का मतलब है कि जो इन्होंने जवाब दिया वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। राम के सब भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, राम जी सबके भक्त हैं और राम सबके पास हैं, ये वो कहने से नहीं होगा, ये इतिहास है। लेकिन इन्होंने जो नारा लगाया है उनका जवाब में इन्होंने बोले खेला होगा। हाँ, आपको लगता है खेला होगा? एकदम होगा। हाँ बेटा खेला होगा। खेला होवे। कैसे होवे? चुनाव मोदी अच्छा की दीदी अच्छी? दीदी। दीदी काहे अच्छी?
दीदी हम लोग के लिए बहुत कुछ की है और करेगी। क्या किए बेटा? अभी जो दीदी हम लोग का इंश्योरेंस बनाई है 5 लाख का, मोदी कुछ किया नहीं किया? दीदी क्या क्या की? दीदी कुछ नहीं की। दीदी बहुत कुछ की है। क्या क्या की? 5 लाख का इंश्योरेंस बनाई और बहुत कुछ, मतलब दीदी सब कुछ सस्ता करवा दी और मोदी आते ही संग गैस का दाम बढ़ा दिया और बहुत कुछ बढ़ा दिया। क्या नाम हुआ? नाम तुम्हारा नाम बताओ। मोहम्मद फरहान खान। फरहान खान, पढ़ते हो किस क्लास में? 10th में। 10th में पढ़ता है बच्चा, इसको पता है कि मोदी जी महंगाई बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इतना छोटा बच्चा 10th में चल गया। कितनी उम्र हुई? 16 ईयर्स ओल्ड। हाँ, 16 साल में तो 10th में चल ही जाता, लेकिन उससे ठीक है कि बच्चा को भी पता है कि मोदी जी महंगाई बढ़ाते हैं। ममता जी को बोले कि बोला कि दीदी आएगी और खेला होबे। खेला होबे। जय भीम।